नमस्ते दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल चार्ट इंपल्स पे। दोस्तों, इसमें बात करेंगे कि अगर आप अलग अलग प्राइस पे अलग अलग नंबर ऑफ शेयर बाई करते हैं तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकाले जब आप एकुमुलेट कर रहते होते हैं। तो आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं पहले से कि मैं अगर किस प्राइस पे कितना बाई करूंगा तो मेरा एवरेज प्राइस क्या होगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव चीजें हैं, तो आज हम इस कैलकुलेशन को समझेंगे, सिंपल वे में सीखेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रमेश भाई जो किया है 200 शेयर एबीसी का बाई किया है 15 रुपया पे, और 300 बाई किया है आपका जो है 10 रुपया पे। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा पर शेयर, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझते हैं और फिर बात करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मैं बाद में लास्ट में एक इम्पोर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूं, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला दोस्तों, अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है तो एवरेज कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब इसको किस तरीके से जो है अपने लिए इस्तेमाल करना समझिएगा। क्या किए हैं, 200 शेयर बाय किया है, तो पहला यहां पे करते हैं 200 शेयर बाय किया है, कितना पे किया है, तो 15 से हम लोग पहले टोटल कॉस्ट निकालेंगे। फिर क्या किया है, 300 शेयर लिया है, कितना पे लिया है, 10 रुपया पे लिया है, तो इतना किएंगे। अगर टोटल कॉस्ट को अगर देखा जाए तो यहां पर कितना हुआ दोस्तों, 3000। यहां पे कितना हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी हुआ आपका 3000। तो यहां पे तो दोनों सेम आपको दिख रहा है, तो ये टोटल कॉस्ट होता है दोस्तों आपको यहां पे 6000। ओके, लेकिन टोटल नंबर ऑफ शेयर यहां पे कितना होता है, अगर इसको इसको प्लस कीजिएगा तो 500। तो इस फॉर्मूला पे बैठाइए, क्या आएगा, अगर इस फॉर्मूला पे लगेगा टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 6000 डिवाइडेड बाई क्या बता रहा है, अगर डिवाइड कीजिएगा किससे, तो आपको 500 शेयर था, नंबर ऑफ शेयर 500 था, तो 500 से 10 से 10, 10 से 10 और 12 पचे 60। यानी इसका दोस्तों अगर एवरेज प्राइस की बात करेंगे, एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे, तो ये आपका आया 12 रुपया आपका पर शेयर, इसका प्राइस आया पर शेयर, इसका जो है प्राइस आया। अगर यहां से अगर आपको चीजें सीखनी है तो ये हो गया, आई तो हुआ कि चलिए 2 बार खरीदा है, अगर 2 से ज्यादा बार खरीदा होगा तो कैसे निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर समझते, और एग्जाम्पल से सीखना ना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है जिसमें कि 2 से ज्यादा बार बाय किया गया। देखिए 500 शेयर बाय किया गया 20 पे, 1000 शेयर बाय किया गया 15 पे, और 3000 शेयर बाय किया गया 8 पे। अब इसका एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हमको निकालना है एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हम लोग को तो पहले से पता है, यानी सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज कॉस्ट। तो पहले यहां पे करते हैं 500 × 20, राइट, इज इक्वल टू, फिर क्या है, 1000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार इंटू 15, फिर क्या है, 3000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार इंटू 8। अब इसको दोस्तों किस तरीके से करना है, 500 को अगर आप 20 से कीजिएगा तो कितना आएगा। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला कि सभी को पहले कैलकुलेट कीजिए, ये हो गया 15000, ये हो गया 18 × 24000, ठीक है, सैकड़ा हजार 10000। ओके चलिए, तो अब ये तो आपका हो गया 10000 15000 और 24000। अगर इसका एवरेज कॉस्ट निकालिएगा तो कितना निकलेगा दोस्तों, तो 0 0 0 5 4 9, ठीक है, 2 1 3 1 4, कितना हुआ, 49000। अब इसका अगर नंबर ऑफ शेयर इसको ऐड कीजिएगा तो कितना निकलेगा दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया 1 2 5, यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ हो गया 3 1 4, कितना, 4500। तो टोटल कॉस्ट अगर पर शेयर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो कितना होगा, 49000 डिवाइडेड बाय 4500, राइट, 2 0 से 2 0 खत्म कर दीजिए, और ये आएगा आपका लगभग लगभग 1.89, इसको कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका, ये जो दोस्तों है इसका आपका एवरेज
प्राइस आया। अब यहां से क्या हम लोग सीख सकते हैं, इसको मैं क्लियर लिख देता हूं, 10.89। अब ए दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ए लास्ट कितना पे खरीदा था, 8 रुपया पे। एवरेज प्राइस कितना बन रहा है, लगभग लगभग 11 रुपया के। लेकिन लास्ट जो सबसे पहले बाय किया था वो किया था 20 पे, फिर 15 पे। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो ए सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस होता है कि जब आप एवरेजिंग कर रहे होते, एक्यूमुलेट कर रहे होते, तो कम प्राइस पे आपको ज्यादा से ज्यादा जो है क्वांटिटी खरीदेंगे। तो आप जो बाय किए सबसे नीचे वाले प्राइस से, उसके आजू बाजू में जो है वो एवरेज आ सकता है। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होता है, और इस कैलकुलेशन आप पहले से भी कर सकते, करें शेयर यहां से गिर के यहां आता है तो कितना खरीदूं, यहां से आकर यहां, तो आप अपने कैपिटल मैनेजमेंट के हिसाब से आप सारी चीजों को कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि ये जो है एवरेज प्राइस आप निकालना सीख गए होंगे बहुत ही सिंपल वे में। एवरेज प्राइस बोलिए, एवरेज कोस्ट बोल लीजिए, जो भी आपको पर शेयर निकालना था, तो ये इस तरीका से निकलता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इसको सीख सके, और ज्यादा हो तो इसके लिए आप कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।